Hello children, very good morning. Welcome to our YouTube channel. Today I am going to discuss science chapter 8, transfer of heat. आज देखेंगे transfer of heat, मतलब heat किस तरह से transfer होता है. Okay, तो let us start. We have seen that one heating one end of an iron bar, the other end also gets hot. हमने देखा है कि एक छोर अगर किसी भी आयरन रॉड का अगर गर्म होता हो, आग में अगर डाल दें आप, जैसे इस लंबी छोर को अगर हमने इस छोर को आग में डाल दिया, यहाँ फायर मान लीजिए, फायर अगर इसको डाल दिया तो आप देखेंगे कि हीट यहाँ तक भी ट्रांसफ़र हो जाता है. आप उसे आप अपने हाथों से ऐसे नहीं पकड़ सकते, बिकॉज ये आपको हट कर सकते हैं, आपको बर्न कर सकता है. ठीक है, तो इस तरह से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे. इफ वी टेक वाटर इन अ बीकर एंड हीट इट फ्रॉम बिलो, जब हम एक बीकर में या किसी भी बर्तन में पानी लेते हैं, उसको जब गर्म करते हैं ना, नीचे से तो नीचे आग लगाते हैं या गर्म करते हैं, देन द होल ऑफ द वाटर गेट्स हीटेड, तब क्या होता है, पूरे पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. सिमिलरली इन स्पाइट ऑफ देयर बीइंग अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ठीक उसी तरह से जितनी दूरी सन और अर्थ के बीच में, हीट रीचेज द अर्थ फ्रॉम द सन. और अभी हम गर्मी महसूस कर रहे हैं, अभी ठंडी पड़ रही है ना, हम अभी धूप में निकलेंगे तो हमें हीट महसूस होगा. सूर्य का जो है हीट यहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है हमारे तक. ठीक है, द प्रोपगेशन ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी ऐसी प्रोपगेशन जो एक छोर से दूसरे छोर हीट ट्रांसफर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट कहेंगे. ऐसे भी एग्जांपल्स आप समझ सकते हो ट्रांसफर ऑफ हीट का, जैसे आपने एक चम्मच लिया बड़ा वाला और आपने क्या किया, उसको सब्जी बनाते वक्त आपने उसको एक छोर को डाले रखा बहुत देर तक या कुछ देर तक, आप देखेंगे कि जब उस छोर को आप पकड़ोगे, इस छोर को यहाँ पकड़ोगे तो आपको हाथ जलेगा. मतलब क्या हुआ, हीट यहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, ऊपर तक ट्रांसफ़र हो गया. ठीक है, तो ये हो गया आपको, इसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, एक छोर से दूसरे छोर को गर्म होना या उसको हीट ट्रांसफ़र हो जाना, हीट को चला जाना ऊपर तक, एक छोर से दूसरे छोर तक चला जाना, क्या ट्रांसफर ऑफ हीट कहलाएगा. ठीक है, मेथड ऑफ हीट एंड ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, देखिए हीट ट्रांसफ़र का मेथड क्या हो सकते हैं, तरीके क्या हो सकते हैं, विधि क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं, हम देखिए द मेथड बाय विच हीट गेट्स ट्रांसफर डिपेंड अपॉन द नेचर एंड द स्टेट ऑफ द मैटर, ये नेचर पर डिपेंड करेगा, वो किस नेचर का है. ठीक है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उस ऑब्जेक्ट की, उस वस्तु की प्रवृत्ति क्या है. क्या आप अगर किसी भी, सपोज आपने ऐसे चीज़ लिया जो कि हीट यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, आप लकड़ी डाल लेंगे सब्जी में ही डाल लेंगे, तो क्या यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब इसकी नेचर जो है वो हीट ट्रांसफ़र होने वाला नहीं है. और समझते हैं, डीपली समझेंगे इसको, यहाँ कह रहा है कि द मेथड बाय विच गेट्स ट्रांसफर डिपेंड, जो हीट होगा वो जो ट्रांसफ़र होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके नेचर पर, स्टेट ऑफ द मैटर, और मैटर जो होगा किस तरह का मैटर, मैटर बोले तो सारे वस्तु हमने पढ़ा है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स, एंड इट ऑकर्स इन द थ्री वेज, और ये तीन तरीका से हो सकता है, एक कंडक्शन के थ्रू हो सकता है, एक कन्वेंशन के थ्रू हो सकता है, एक रेडिएशन के थ्रू हो सकता है. कंडक्शन से भी हीट हो जाएगा, कन्वेंशन से भी हीट हो जाएगा, ट्रांसफर, हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, और रेडिएशन से भी हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह हीट को जाना,
ट्रांसफर होना हम ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। तो उसके तीन मेथड को हमने देखा, कंडक्शन से, कंडक्शन मेथड से हो सकता है, कन्वेक्शन मेथड से हो सकता है, और रेडिएशन मेथड से हो सकता है। ओके, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कंडक्शन मेथड क्या है। इन सॉलिड द ट्रांसफर ऑफ हीट इज थ्रू कंडक्शन। लेट अस डू एन एक्टिविटी अंडरस्टैंड दिस फिनोमिनन। इस फिनोमिना को समझते हैं, कंडक्शन को, कैसे कंडक्शन कंडक्ट कैसे होता है। जैसे आपने बीकर में ले लिया एक मेटल स्पून ले लीजिए। आप क्या किए, एक बीकर ले लीजिए, मतलब एक बर्तन ले लीजिए, आप यहाँ दिखाए अनुसार, ठीक है बेटा। और आप एक मेटल वाला स्पून ले लीजिए, लकड़ी स्पून मत लीजिए, मेटल स्पून लीजिए, और हॉट वाटर, पानी गर्म ले लीजिए, हॉट वाटर, ठीक है। नहीं, ज़रूरत चीज़ है, रिक्वायर मटेरियल तीन चीज़ें हैं, एक बीकर चाहिए, ठीक है, एक बर्तन चाहिए, दूसरा में यस, और तीसरा में हॉट वाटर, ठीक है। टेक हॉट वाटर इन द बीकर, इमर्स इन वन एंड ऑफ द मेटल स्पून इन दिस वाटर एंड होल्ड द अदर एंड ऑफ द मेटल स्पून योर हैंड। यू विल सी आफ्टर सम टाइम दैट दिस एंड ऑफ द मेटल स्पून ऑल्सो बिकम सो हॉट दैट इज नॉट ईजी टू होल्ड ऑन इट। हाउ डिड दिस हैपन? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली वेन अ हॉट ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट एट रिलेटिव लो टेम्परेचर्स। दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कंडक्शन कहलाएंगे। मतलब अभी हीट यहाँ था, ये पानी गर्म आप यहाँ लिए, आपने पानी को तो टच नहीं किया ना, आपने क्या किया, एक चम्मच लिया और उसको आप डाल दी उसमें, तो आपने क्या देखा, यह देखो, आपने देखा कि ये चम्मच जो है यहाँ इस यहाँ से हीट ट्रांसफर होके कहाँ चला गया, यहाँ तक। और आपको पकड़ना आसानी नहीं होगा क्योंकि हीट यहाँ से यहाँ तक चला गया है, यानी ट्रांसफर हो गया है। अब इस यहाँ इस छोर से उस छोर तक ट्रांसफर हो गया, इसको बोलेंगे हम कंडक्शन बोलेंगे। हालांकि ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब होता है कि इस छोर से उस छोर तक जाना या वहाँ से यहाँ पहुँच जाना, यानी एक जगह ट्रांसफर मीन्स क्या, एक जगह से उस जगह चला जाना, यानी इस प्लेस से किसी और प्लेस पे चले जाना, तो ट्रांसफर ऑफ हीट हो गया। अब उसी हीट को हमने तीन मेथड से ट्रांसफर करवा रहे या होता है। उसमें हमने देखा कि फर्स्ट जो होता है कंडक्शन होता है, कंडक्ट करता है। आपने कैसे कंडक्ट किया, जैसे आपने सब्जी, मान के चलो हमने एक कढ़ाई लिया, इसी तरह से आप देख सकते हो इस कढ़ाई में सब्जी बन रहा है, तो आप इसमें चम्मच डाल दिए बड़ा वाला, और देर तक छोड़ने के बाद हीट कहाँ तक चला जाता है, यहाँ तक ट्रांसफर हो जाता है। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, कंडक्शन ऑफ हीट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कंडक्शन इज द हीट ट्रांसफर इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर ट्रांसफर हीट विदाउट चेंजिंग देयर पोजिशन। और कंडक्शन जो है इस मेथड में, इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है, जिसको मॉलिक्यूल्स जो कणु होते हैं, यह हिंदी क्या होती है उसको देख लेना, मॉलिक्यूल सबसे छोटी इकाई मैटर्स का, ठीक है। मैटर ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट चेंजिंग देयर पोजिशन, बिना पोजिशन किए कोई चेंजेस नहीं करता इस मेथड में। कंडीशन फॉर हीट ट्रांसफर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बाय कंडक्शन आर एज फेलो। अभी कंडक्शन भी दो मेथड से हो रहा है। द ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टैक्ट में होना चाहिए ऑब्जेक्ट, तो अभी तो ये कॉन्टैक्ट में है ना, यहाँ जो आप देख रहे हो हीट प्रोपगेशन यहाँ जो चल रहा है, हमने क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट में रखा है ना चम्मच को। और दूसरा, देयर टेम्परेचर शुड बी डिफरेंट, और इनका टेम्परेचर भी एक अलग होगा ना। अब इसी में कंडक्शन में हम कंडक्टर एंड इंसुलेटर को समझते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर को समझते हैं। पहला पॉइंट हम क्या पढ़ रहे थे, कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन में क्या कर रहे थे, किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हीट ऑब्जेक्ट में टच करा रहे थे, ओके। तो हमने देखा कि वहाँ से हीट जो है निचली छोर से ऊपरी छोर तक चला जा रहा था। क्या करवाया था हमने कंडक्शन ऑफ हीट में, जो हीटेड ऑब्जेक्ट है वहाँ हमने उसमें टच कराया, और करने के बाद वो जो हीट है ऊपर तक ट्रांसफर हो गया। अब ये जो होता है, दो तरीका से बोल रहा है। अब इसमें हम देखेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर,
क्या हम हर चीज को ऐसे डाल के हम गर्म कर इस छोर से उस छोर गर्म हो सकता है क्या? क्या हर चीज में ऐसी ऑब्जेक्ट, क्या हम अभी चम्मच के जगह कोई और चीज डाल देते तो क्या वहां पे हीट ट्रांसफर होता क्या? अगर नहीं होता, जैसे हम लकड़ी डाल देते वुड, जैसे हम प्लास्टिक डाल देते, प्लास्टिक के आप कोई ऑब्जेक्ट डाल देते तो आप देखते कि हीट ऊपर तक तो आया ही नहीं। तो अब यहाँ हम समझेंगे डिफरेंट, क्या समझेंगे? कंडक्टर और इंसुलेटर। अगर कंडक्टर रहेगा तो ट्रांसफर तो हो जाएगा, और इंसुलेटर होगा तो ट्रांसफर नहीं होगा। हमने लास्ट ईयर आपको कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट नहीं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ाया था, देखे हो गया आप लोगों ने। देखिए ऐसे समझिए इसको, कंडक्टर को और इंसुलेटर को ऐसे समझ सकते हैं। मेटेरियल दैट ट्रांसफर हीट इजिली थ्रू कंडक्शन आर कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर किसको कहेंगे? कंडक्शन वाला जो ही मेथड है वही कंडक्शन वाला, कंडक्टर वाला भी है, सेम चीज है, अलग नहीं है। जो हमने कंडक्शन पढ़ा कि यहाँ से ऑब्जेक्ट को, अगर यहाँ हीट ऑब्जेक्ट ये है, मान के चलिए यहाँ पे लौ जल रहा है, यहाँ पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को डाला तो यहाँ तक के ट्रांसफर हीट जो हुआ, यहाँ तक हुआ, तो ये जो है था कंडक्शन कहला था। अब कह रहा है कि ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट इजली थ्रू कंडक्शन आर कॉल्ड कंडक्टर, यानी मेटेरियल दैट, ऐसी मेटेरियल ट्रांसफर हीट इजली, हीट जो है आसानी से कंडक्ट हो जा रहा है उसको हम कंडक्टर कहेंगे। Which those material that do not transfer heat easily through conduction are called insulator or non-conductor of heat कहेंगे। आप ऐसे एक मैं समझा रहा हूँ उस तरह से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है। जैसे all material are conductor of heat while some material like wood, सभी material जो होता है conductor of heat हो सकते हैं जबकि कुछ जो हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते। कुछ क्या हो सकते हैं? नॉन कंडक्टर ऑफ हीट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं वुड, वूल, थर्मोकोल, कोर्क, प्लास्टिक, पेपर, ये सब क्या है? इंसुलेटर, इंसुलेटर ऑफ हीट और इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। आप इस कॉपी को आपने पकड़ा है, आप आग में उसको डाल दीजिए, वो जल जाएगा, लेकिन क्या उसका वहाँ से हीट आपका हाथों तक पहुँच पाएगा? आपका जलेगा हाथ? बिल्कुल नहीं जलेगा। तो ये क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया। आप चम्मच को डाले थे हॉट वाटर में, क्या डाला था आपने? चम्मच को। आप उसके जगह क्या कीजिए? लकड़ी का चम्मच डाल दीजिए। वो लकड़ी का जो चम्मच होगा, वुड वाला होगा या वुड जो होगा, वो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा। अब और एक तरीका से समझ सकते हैं। अब मतलब ये समझिए कि हीट यहाँ से वहाँ तक जिसमें इजिली ट्रांसफर हो जा रहा है एक जगह से, ऐसी ऑब्जेक्ट जो इस छोर से उस छोर तक आसानी से हीट ट्रांसफर हो जा रहा है उसे हम कहेंगे कंडक्टर कहेंगे, और जिसमें नहीं होगा वो इंसुलेटर कहलाएगा। यही था बेटा इसका कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम्पल और ले लीजिए। आपने रॉड डाला, रॉड तो गर्म हो गया सर, हीट ट्रांसफर तो हो जाएगा सर। आप इलेक्ट्रिक में चपकाओगे तो आपको पटक देगा उठा के, इलेक्ट्रिक भी ट्रांसफर हो रहा। अब क्या वहाँ पे आप प्लास्टिक के चम्मच डालेंगे, लाइट जो हीट ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है, तो क्या वहाँ से आपको लाइट करंट मारेगा, करंट शॉक देगा? डेफिनेटली नॉट। तो ये क्या हो जाएगा? इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो जाएगा, या इंसुलेटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हीट वहाँ ट्रांसफर नहीं हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ज़्यादा डिफरेंट नहीं है हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, खैर उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया इंसुलेटर है कंडक्टर। अबे बताइए पेपर इंसुलेटर होगा कि कंडक्टर होगा? इंसुलेटर होगा, क्योंकि अगर इस पेपर को आप मोड़ के दो चार पेपर
उबलते हुए पानी में डर रख के आप ऊपर टच करे रहेंगे कि अब मेरे को गर्म लगेगा, अब मेरे को गर्म लगेगा, तो कभी नहीं होगा, क्योंकि क्या है वो इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर और कंडक्टर का आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। हीट ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट एंड हीट कंडक्शन 15 मिनट्स का हो गया आई थिंक। ये तो बड़ा, इसको देख लेते हैं बेटा, इसके बाद आगे कन्वेक्शन पढ़ाएंगे। ओके, इफेक्ट ऑफ हीट कंडक्शन यानी हीट कंडक्शन का प्रभाव इन डेली लाइफ बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर हैव देयर यूजेस। देखिए अपने जीवन काल में, अपने जीवन में कंडक्टर का भी यूजेस हैं और इंसुलेटर का भी यूजेस हैं। द फॉलोइंग आर इलस्ट्रेशंस ऑफ सम कॉमन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। द फॉलोइंग आर इलस्ट्रेशंस, कुछ समझाए गए हैं इंसुलेटर और कंडक्टर को, ठीक है। To cook food in short time, we use cooking utensils made from alloys or copper, aluminium or brass, all conductor, which allow for faster heat transfer to the food. अब बताइए कोई इंसुलेटर में खाना बनाएगा क्या? बनेगा? जब हीटेड ट्रांसफर नहीं होगा तो कैसे बनेगा? आप कढ़ाई में जो खाना बनाते हैं जिस बर्तन में, उसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर हो जाता है आसानी से, ठीक है। तो अब मान के चलिए मिट्टी के बर्तन में आप खाना बना रहे हैं, उसमें भी हीट ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं? इस छोर से आप उसको भी आओगे, एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं पकड़ सकते, उसमें भी हीट ट्रांसफर होता है। वो क्या है? कंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं है। लेकिन वह इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर कहलाएगा। मैंने बोला था ज़्यादा फर्क नहीं है, तो ये यहाँ पे फर्क है। क्या मिट्टी के कोई भी सूखा पदार्थ को आप ले लीजिए जो बना है, उससे आप इलेक्ट्रिक में टच करेंगे तो आपको हीट करंट आपको शॉक नहीं देगा। थोड़ी सी डिफरेंट है, मैंने बताया अभी। चलिए इसमें आते हैं। तो देखिए, आप कॉपर के बर्तन में बनाइएगा, एलोज के बर्तन बनाइएगा, एल्युमिनियम का बनाइएगा या ब्रास के बनाइएगा, के सब क्या है? कंडक्टर है, जो हम डेली अब लाइफ में यूज़ करते हैं ना। और ये क्या होता है? विच अलाउ फॉर फास्टर हीट ट्रांसफर टू द फूड। और ये बहुत ज़्यादा फास्ट क्या करता है, ज़्यादा कंडक्ट करता है, और ज़्यादा फास्ट खाना को बनाने का कारण भी यही है, क्योंकि हीट को ज़्यादा कंडक्ट करता है, यही है। फिर देखिए बोल रहा है कि फोल्ड अ थिन पेपर टू मेक इन इंक पॉट, बनाने के लिए पेपर को फोल्ड कीजिए। फिल इट विथ वाटर एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। अब उसमें पानी डाल लीजिए और उसमें आग पर चढ़ा दीजिए। द वाटर गेट्स हीटेड बट पेपर डजंट बर्न। आपने क्या किया, फोल्ड अ थिन पेपर। आप एक पेपर जो है ना, जो पढ़ते हैं, उस पेपर को आप लीजिए, मोड़ लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए जब तक वो पूरी तरह से भीग नहीं जाता। अगर आप तो नहीं फटेगा ना, तो आप उसको आग पर आसानी से डाल सकते हैं, पानी गर्म हो जाएगा लेकिन वो नहीं जलेगा। द वाटर गेट्स हीटेड बट पेपर डजेंट बर्न। पेपर जलेगा नहीं। हियर द हीट गिवन टू द पेपर गेट ट्रांसफर टू द वाटर, देयर फॉर द टेम्परेचर ऑफ द पेपर डजेंट इंक्रीज इनफ टू मेक इट बर्न। यही कारण है, क्यों? क्योंकि पानी का टेम्परेचर है, उसको बर्न नहीं होने देता, ठीक है। इफ वी रैप एन आयरन हैमर विद पेपर एंड थ्रो इट इन टू अ फ्लेम। आप क्या कीजिए, एक आयरन को, कोई भी आयरन हैमर को रैप कर लीजिए पेपर में और उसको आग में डाल दीजिए। द पेपर डजंट बर्न। पेपर क्या होगा, जलेगा नहीं। वाइल ऑन पुटिंग अ पीस ऑफ वुड सिमिलर रैप्ड इन पेपर इन अ फ्लेम द पेपर बर्न। देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखिए। यदि हम रैप करेंगे एक आयरन को, वी रैप एन आयरन हैमर विथ पेपर, पेपर में उसको लपेट दीजिए करके देखना, एंड थ्रो इट इनटू अ फ्लेम, और उसको आग पर रखिए।
द पेपर डजेंट बर्न, पेपर बर्न नहीं होगा, जबकि इसी को आप लकड़ी में रैप कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पेपर बर्न हो जाएगा। द पेपर बर्न्स, दिस इज बिकॉज द हीट गिवन टू द पेपर रैप्ड ओवर द आयरन हैमर ट्रांसफर इटसेल्फ टू द आयरन ड्यू टू द हीट, हाई हीट कंडक्शन ऑफ आयरन। हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल आर मेड ऑफ नॉन कंडक्शन कंडक्टिंग मटेरियल सो दैट दे कैन बी हैंडल इजली एज दे डू नॉट बिकम हॉट। आप देखते हैं कोई भी बर्तन, जो भी कढ़ाई, कुछ ऐसे चाय बनाने वाला, कुछ ऐसे करने वाला, उसके हैंडल क्या होता है, प्लास्टिक का लगा होता है। क्यों? ताकि वहाँ तक हीट कंडक्ट ना हो, वहाँ तक ट्रांसफ़र ना हो और आपका हाथ ना जले, ठीक है। इसीलिए वो क्या लगाया जाता है वहाँ, इंसुलेटर। प्लास्टिक क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। टू सेव आइस फ्रॉम मेल्टिंग इन द समर इट इज रैप्ड इन जूट बैग और विच राइस हस्क। देखिए, यदि आप गर्मी महीना में, टू सेव आइस फ्रॉम मेल्टिंग, अगर मेल्टिंग गर्मी महीना में आइस को अगर पिघलने से बचाना है तो इसको रैप कर दीजिए जूट बैग में ना, या फिर विथ राइस हस्क, या फिर जो चावल के जो भूसी होता है उसमें। हेंस सिंस दीज आर इंसुलेटर ऑफ हीट, ये क्या होता है, जबकि ये क्या है, हीट का इंसुलेटर है ना। दे प्रोटेक्ट द आइस फ्रॉम एटमोस्फेयर हीट एंड प्रिवेंट इट्स मेल्टिंग, और ये क्या करेगा, मेल्टिंग नहीं होने देगा, आपको बचा के रखेगा। वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर बिकॉज वूल एंड द एयर ट्रैप्ड इन इट्स फाइबर आर इंसुलेटर ऑफ द हीट, देयरफॉर दे प्रिवेंट द कंडक्शन ऑफ हीट वे फ्रॉम द बॉडी। इन डिजर्ट्स व्हेन द टेम्परेचर इज क्लोज टू 50 डिग्री सेल्सियस इन समर वुलन ब्लैंक कैन सेव द बॉडी फ्रॉम हीट। देखिए हम क्या कहते हैं, वुलन क्लॉथ्स विंटर में पहनते हैं ना, हैं पहनते हैं ना, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे बॉडी को मतलब गर्म रखता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ, बोलता है कि द एयर ट्रैप्ड इन इट्स फाइबर आर इंसुलेटर ऑफ द हीट, इंसुलेटर ऑफ हीट, क्योंकि ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है हीट को, और हीट को क्या करता है, अंदर रखता है, ठीक है। Therefore, they prevent the conduction of the heat away from the body and अरे धीरे धीरे पढ़ो ना बेटा। In desert, when the temperature is इतना close to 50 degree Celsius in summer, woolen blanket can save the body from heat। अब देखो, उस समय हीट से बचने के लिए वहाँ के लोग जो है वुलन वाला पहनते हैं, क्यों, ताकि उसको हीट जो है ज़्यादा परेशानी ना करे। ऐसे कुछ पॉइंट्स था ये, बाकी आप समझ गए होंगे हीट ऑफ ट्रांसफ़र, ओके, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। आपने इंसुलेटर समझा, कंडक्टर समझा, समझा ना, ट्रांसफ़र ऑफ हीट समझा, तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो एंड एंजॉय।